भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और श्रृंखला का आखिरी टेस्ट मैच होने जा रहा है गुरुवार से अहमदाबाद में, उसी पिच पर जहां पर पिछला मैच भारतीय टीम ने जीता था, वही टेस्ट मैच जो कि महज 2 दिन में खत्म हो गया था। और उसके बाद से पिच को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही थी, खासकर पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर्स से, और इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ था। और अब जाकर इस पिच की किच-किच पर विराट कोहली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कप्तान विराट कोहली ने करारा जवाब दिया है उन सभी को जिन्होंने अहमदाबाद की पिच पर सवाल खड़े किए। Yeah, I totally believe that. There's always too much noise and too much conversation about spinning tracks. I'm sure that you know if our media is in a space to contradict those views or present views which say that you know it is unfair to criticize only spinning tracks, then I think it'll be a balanced conversation. But the unfortunate bit is that everyone sort of plays along with that narrative and just keeps making it a news till the time it's relevant, and then a test match happens. If you win on day 4 or day 5, no one says anything, but if a match finishes in 2 days, everyone pounces on the same issue. It's just becomes an issue to talk about. We lost in New Zealand on day 3 in 36 overs. I'm sure none of our people as well wrote about the pitch. It was all about how India played badly in New Zealand. And none of the pitches were criticized. No one came and saw how much the pitch was doing, how much the ball was moving, and how much grass there was on the pitches. So the reason for our success as a team has been that we haven't cribbed about any pitches that we played on. And we would continue to play like that as a team moving forward as well. And it is always been the case that spinning tracks come into focus way more. And when the ball seams on a particular pitch and teams get bundled out for 40, 50, 60, no one writes about the pitch. It's always about bad batting. So I think we all need to be very honest with ourselves that what space are we talking from and what's the idea behind continuing this narrative and what purpose it serves people who keep continuing this conversation, which is quite one-sided. बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी पिच के आलोचकों के जवाब में कहा था कि भारत ने विदेशों में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार नमी वाली पिचों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, और इंग्लैंड की टीम को यहां चौथे टेस्ट में भी धीमी गेंदबाजी की मददगार विकेट की अपेक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें, तीसरे टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड के कई क्रिकेटर्स जैसे पूर्व कप्तान माइकल वॉन और पूर्व बल्लेबाज एंड्रू स्ट्राउस ने पिच की आलोचना करते हुए कहा था कि अहमदाबाद की पिच टेस्ट क्रिकेट के लिए मुनासिब विकेट नहीं था। भारत के कुछ पूर्व क्रिकेटर्स जैसे वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह ने भी पिच को अनुचित बताया, वहीं सुनील गावस्कर ने खराब बैटिंग को दोष दिया था। तो कमर कसले इंग्लैंड की टीम, यही एक संदेश जा रहा है यहाँ से कि अपने स्किल्स पर, अपने खेल के दम पर, अपने प्रदर्शन के दम पर मैचेस जीते जाते हैं, चाहे पिच कैसी भी हो, बल्ला कैसा भी हो, गेंद कैसा भी हो। और इसी का एक बार फिर से भारतीय टीम को नमूना पेश करना होगा चौथे टेस्ट मैच में, क्योंकि ये टेस्ट मैच भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि अगर भारतीय टीम ये मैच जीत जाती है या फिर ड्रॉ करा लेती है तो भारत टीम की टिकट कट जाएगी लॉर्ड्स के लिए, जहां पर होने जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। ये मैच शुरू हो जाएगा सुबह 9:30 बजे से। इस मैच को लेकर तमाम जो अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और एक एक पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ तक पर।